अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए व माखलक जन्ना वनसाबूँ कि मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए यह बात बड़े वाज़ है कि हमारी तखलीक हमारा दुनिया में आना इसका जो मकसद है वो है अल्लाह पा की इबादत कोई जहाँ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रब करीम ने बे मकसद पैदा की है हर एक चीज़ का दुनिया में आने का मकसद होता है और सबसे अजीम मकसद जो है वो इंसान को रब ने दिया है इंसान अपने तख्लीक के हवाले से भी आला और अरफा है और मकसद के हिसाब से भी सबसे आला और अरफा है कि एक अजीम मकसद इंसान को मिला कायनात रब इंसान की खिदमत के लिए पैदा की ये दुनिया किसके लिए इंसान के लिए जो कुछ हमें नजर आता है ज़मीन है आसमान है चांद है सितारे हैं पहाड़ हैं समुंदर है जंगल हैं सराह है, सहरा है। हैवानात है, हैं नबात हैं चरंद परिंद हर चीज़ जो रब ने पैदा की है वो इंसान की खिदमत पे मामूर है और इंसान को ये फरमाया कि ये कायनत तो तेरी खिदमत के लिए है लेकिन तू मेरी इबादत के लिए तू मेरी इबादत कर मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है और इसी की बिना पे तो जो अच्छे काम करेगा जो तू मेरे अहकाम की पैरवी करेगा और मेरे प्यारे नबी की एताद करेगा उससे मोहब्बत करेगा तो नेक आम अहमाल के सदके बदले मैं तुझे जन्नत अदा करूँगा और फिर अपनी पाक कला में ये भी फरमाया कि मैंने मोमनों से उनकी जान खरीद ली हैं जन्नत के बदले में अब हमारा सौदा तो रोजे अवल से हुआ हुआ, हुआ है हम सौदा अपना कर के दुनिया में आए हैं और उसके बदले रब करीब हमें जन्नत देगा तो सोचने का मकाम ये है कि जो जिसका सौदा हो चुका हो उसका दोबारा भी बिकने की गुंजाइश होती है सौदा तो एक तरह एक दफा ही होता है ना तो जिस जिस वक़्त सौदा हो गया बात खत्म हो गई जब कायनत इंसान की खिदमत के लिए और इंसान अपने रब की इबादत के लिए रब के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से उसकी आने वाली जिंदगी बनेगी और कामयाबी का दार मदार इस जिंदगी पे है अगर ये जिंदगी खराब गुनाहों में लत पत इंसान ने गुजार दी अपने रब की ताबेदारी ना की इबादत ना की और अपने नबी की इतात ना की गुनाह कमाए बदियाँ कमाई तो फिर समझो कि उसकी आकबत ख़राब हो गई बर्बाद हो गई तो कौन है सवाल पैदा होता है कौन है अकलमंद जो ये सौदा करेगा कि जन्नत के बदले जो है बुराइयाँ ख़रीदे और इस दुनिया में बुरे काम करे सिर्फ वही कर सकता है जो नादाँ है जिसमें दानाई नहीं है बसीरत नहीं है अकल से आ रही है वही काम कर सकता है कि रब के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करें अब जब हम रब के अहकाम की बात करते हैं तो उसका ख़ुलासा ये है कि जो रब कहे वो हम करें जिससे रब रोके उससे रुक जाए बैनी इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात से रोके हम रुक जाएं और जो जिसका आप अमर फरमाएं वो काम हम करें और ये है सुन्नत और ये है आपके हदीस तो जो इसका इसको कहते हैं शरीयत अजमाली तौर पे ये शरीयत है अहकाम खुदाबंदी और अहकाम सल्लल्लाहु सल्ला वसम ये शरीयत है तो साबित हो गया कि मुसलमान शरीयत के साथ है अगर शरीयत पे अमल नहीं करता तो गुनागार है इनकार करता है तो काफिर है कुफर में चला जाता है इनकार नहीं करता इकरार करता है ज़बान से लेकिन दिल से नहीं मानता तो ये मुनाफ़त ठहरी और अगर इकरार करता है लेकिन अमल नहीं करता तो ये ये भी एक इनकार की सूरत आ गई और वही फिर मुनाफरत वाली बात आ गई तो हर सूरत में ये बड़ा खसारे का घाटे का सौदा है जो इंसान ने किया है तो इसलिए मेरे दोस्तों कामयाब वो हुआ जिसने शरीयत पे अमल किया और इस दुनिया से रुख्सत होने से पहले पहले अपने रब को मना लिया और रब के हबीब को मना लिया और उसको मनाने के लिए शरीयत को जानने के लिए उसको उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए क्योंकि इबादत हो कोई नेक काम हो अच्छा मल हो अगर उसके पीछे इखलास नहीं है तो उस नेकी का सवाब भी नहीं मिलता उस इबादत का भी सवाब नहीं मिलता जो काम ट्रलू होता है कि जो नियत या उसका इखलास बीच में नहीं है सिर्फ़ एक रस्म अदा करता है आया और जल्दी जल्दी चंद सजदे किए और रा ली और दौरान सजदा भी नमाज में भी ख़्यालत कहीं और हुए तो जब इखलास की कमी होती है किसी भी अमल में तो अमल काबिल कबूल नहीं होता दुनिया की दोस्ती हो किसी का कोई यार हो और उसके साथ अगर इखलास वाला रिश्ता ना हो तो ज़्यादा देर नहीं चल सकता वो भी ख़त्म हो जाता है फिर ये तो मामला मेरे रब के साथ है तो इबादत इखलास के साथ होती है और अखलास कैसे आता है अखलास जिकरला से आता है अल्लाह पाक को कसरत से याद करने से रब का जिक्र करने से और ज़िक्र कहाँ से आता है मुर्शद कामिल से आता है जो इसके उस्ताद हैं जो शेख हैं जो पीर तरीकत हैं जिन्होंने तरीक़त के इसबाक किए हैं जिन्होंने सलूक की मनाजिल तय की हैं खुद किसी कामिल हस्ती से वो फिर आगे चीज़ मुंतकिल करते हैं अपने मुरीदों को वो इलम सिखाते हैं ये बातनी इलम है ये रूहानी इलम है इससे अखलास पैदा होता है और अखलास पैदा होने के साथ साथ क्या होता है आपको मारफत होती है आपको पहचान होती है किसकी पहचान अल्लाह की पहचान अल्लाह अल्ला के रसूल की पहचान और सबसे पहले अपनी पहचान कि मैं कौन हूँ उसको अपनी तख्लीक का मकसद समझ आ जाता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ मैं इंसान हूँ मैं चारों ज़िंदगी है मैंने इस दुनिया से चले जाना है तो काम क्या है जो मैंने करना है तो फिर उस काम में वो लग जाता है उस काम में वो जुट जाता है और अपनी जिंदगी नेकी के लिए वक्फ कर देता है और अपने रब और रब के अबीब को मनाने में सारा वक्त सर्फ कर देता है अल्लाह के मखलूक की, की खिदमत करता है तीन काम कर ले बंदगी रब की करे और इतात अपने रसूल की करे और खिदमत लोगों की करे खिदमत लोगों की करे, करे। बेलौस वो इंसान कामयाब है यही निचोड़ है यही हासिल कलाम है तो मेरे दोस्तों मारफत मिलती है पहचान मिलती है जब आप ज़िक्र करते हो कामिल मुरशद की तवज्जो आपको मिलती है आप उसकी सोबत में बैठते हो जाकर उससे आप इसबात मुकम्मल करते हो तो जहाँ आप मार्फत की मनाजिल तय करते हो वहाँ आपको अखला से भी मालामाल किया जाता है जब इंसान इखलास में आगे बढ़ जाता है और उसको मामला समझ आ जाते हैं तो साथ साथ और भी अमल चलते रहते हैं सबसे बड़ी बात कि वो गफलत से निकल कर वो होशियार हो जाता है वो ताक हो जाता है वो समझ जाता है अपने मामलात को और दानाई उसमें आ जाती है क्या आती है जिक्र से इखलास आता है मार्फत आती है और दानाई आती है अब दानाई के बारे में मेरा रब फरमाता है कि दाना वो हैं जो मेरा ज़िक्र करते हैं और इसी नोयत की हदीस भी है कि दाना दानाओं की जब तारीफ़ की जाए कि वो कौन लोग हैं तो वो होते हैं जो अपने रब को कसरत से याद करते हैं वो दाना होते हैं अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दानाई के बाद जो है बसीरत होती है जिसके बारे में यह है कि मोमिन की बसीरत से बचो ये अल्लाह के नूर से देखता है मोमिन की बसीरत से बचो ये अल्लाह के नूर से देखता है ये हदी पाक और जब बसीरत आगे बढ़ती है कमाल पर पहुंचती है तो फिर वो रोशन जमीरी बन जाती है इंसान का ज़मीर रोशन हो जाता है वहाँ बदी की गुंजाइश नहीं वहाँ गुमराह की गुंजाइश नहीं बल्कि वो मुकर्रबीन में और अल्लाह पाक के महबूबान में शामिल हो जाता है अलिया कराम की ऊँची सफ़ में शामिल हो जाता है तो ये सारा काम ज़िक्रुल्लाह से शुरू हुआ ज़िक्र मर्शद से शुरू हुआ मुर्शद से मिला और यूँ ये मामला तय हो गया अब एक और बात मैं आपको नुकते की बताता हूँ मेरे जब दोस्त मुझे कहते हैं कि जी आपके पास पंद्रह मिनट है या ग्यारह बजे आपने ख़त्म कर, करने तब मेरे पास सिर्फ पाँच मिनट है तो वो गुफ्तगु ही क्या जो तिश्ना रह जाए जिसमें प्यास रह जाए वो गुफ्तु उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता गुफ्तु वो जो दिल पर जा लगे जो आपको अमल पर रागब करे तो जो बात करने वाला होता है उसकी खुशी इसी में होती है कि वो अपनी बात जो है अपने सुनने वालों तक पहुँचा कर उनके दिलों को अमल पर रागब कर दे, फिर तो वो मुकर है फिर कामयाब है और इसके लिए क्या ज़रूरी है इसके लिए भी अखलास ज़रूरी है अगर मैं पैसे लेके आऊँ या लालच लेके आऊँ या टुकड़े का लालच लेके आऊँ बस मेरा सौदा पहले ही हो जाता है कि मैं घर से ही बिक के चला मैंने गलत सौदा घर से चलने से पहले ही कर लिया तो उस वक्त जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मैं बड़े लच्छेदार तकरीर भी करूँ तो उसका असर नहीं होगा तो उसका असर नहीं होता असर उस गुफ्तगु का होता है जो दिल से निकलती है और जो अखलास रखती है उसका असर होता है तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब आपको पहचान आ जाती है आप अखलास की मंजिलों को तय करते हो आपको मार्फत नसीब हो जाती है आपको बसीरत मिल जाती है तो फिर क्या होता है फिर आप शरीयत पे कामिल मुकम्मल अमल करते हो फिर शरीय से आप दाएँ नहीं हटते हो क्योंकि आपकी तरबियत हो गई है आप उस सांचे में ढल गए हो कि जहां आप बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नेकी का हुक्म दिए बग़ैर रह नहीं सकते यह आपकी नेचर बन जाती है यह आपकी सानिया बन जाती है क्या आप बुराई को बर्दाश्त नहीं करते गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते आप गलत इंसान को बर्दाश्त नहीं करते आप शरीयत के ख़िलाफ़ किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते आप अल्लाह और रसूल की किसी बात के अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो आप फ़ौर आप तरमिला उठते हो ये ख़ासा आप में पैदा हो जाते हैं और ये असल मंजिल है ये मंजिल है और वो जब नसीब हो जाती है फिर बंदा मुजाहिद बन जाता है फिर उसको अस्थानों में नहीं बैठना चाहिए फिर उसको कोने कदरों में बैठ कर करने की बजाय मखलूक की खिदमत के लिए बाहर निकले और बुरा, बुराई को मिटाने के लिए शैतानियत के खिलाफ नफसानियत के ख़िलाफ़ बदों के खिलाफ बुरों के खिलाफ माशरे में बुराइयों के ख़िलाफ़ बुरे कुमरानों के ख़िलाफ़ काफरों के खिलाफ इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ वो सीना सफ़र हो जाए अब ये मुजाह है क्योंकि ये बिक नहीं सकता ये झुक नहीं सकता ये किसी लालच में नहीं आ सकता इसे कोई दुनिया की ताकत झुका नहीं सकती बड़े बड़े लालच को ठुकरा देता है अगर पहाड़ों जैसा सोना हिर चाँदी पेश कर दी जाए वो उसको ऐसे ठोकर मार के गुज़र जाता है जैसे हमारे असलाफ करते थे जानने वाले जानते हैं साहब कराम के क्या रवैये होते थे जब कैसर और किसरा फतह हुआ उनकी सल्तनतें खत्म हुई तो मस्जिद नब्बी में जब माल गनीमत पेश किया जा रहा था तो एक गुलाम आया हबशी उसने बड़े ही बेहतनाई के साथ ऐसे ताज को उठा उछाला हवा में जो उसका असर किस तरह का जो ताज था जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था बड़ा कीमती जैसे वो लाया था वैसे उसने ऐसे हवा में उछाल के फेंक दिया ये थी शाह बे न्याजी ये है मुसलमान ये होना चाहिए किरदार ज़रा अपने गरीबान में झांको मैं जानता हूँ मुझे शर्मिंदगी होती है आप के तो आपको भी शर्मिंदगी होगी सिवाय शर्मिंदगी के मैं कुछ हासिल नहीं होता आज अच्छी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है हक बात बयान करो आपका बुगज, अनाद, हसद वो सामने आएगा अगर इलमी है तो वो दूसरे इलम वाले को काटना शुरू कर देगा कि ये मुझसे बढ़ के क्यों इसकी पजीराई हो रही है इसको क्यों लोग इसको शाबाश दे रहे हैं अल्लाह के बंदो हक बात को पहचानो अल्लाह पाक फरमाता है कुनु मसाद सच्चों के साथ हो जाओ अभी सच्चों के साथ होना बात काश जो वो किया है जी जी दिल मेंढा इधर भी हो गया हाँ जी दिल मेंढा इंज मेंड माई दे भी हो गया काश जैसे मैं सोचता हूँ मैं चाहता हूँ कि सारे ऐसे ही सोचे तो झांकना चाहिए कि हम कितने मुसलमान हैं हम में कितना अखलास है तो बात जो है वो हक वाली हक वाले को समझ आती है इसलिए मेरे कायद अमामा खादि से रहमत ला, ला फरमाया करते थे कि मेरी बात ईमान वाला समझ सकता है बेईमान मेरी बात ही नहीं समझ सकता क्यों कि मैंने उससे बढ़कर मुखल शख्स नहीं देखा है अपनी जिंदगी में जो बेलोस था कोई लालच राय बराबर शख्स में नहीं था जो कुछ आता था उधर ही राय खुदा सब में बांट देता था मेरे सामने कई ऐसे वाक़ हुए एक गद्दी पे गए गुमटी है गद्दी का घुमटी शरीफ गुजर खान की तरफ पीर साहब पैसे निकाले और आपको देने लगे आपने कहा अभी साहब नहीं मैं नहीं लेता तुम पैसे मैंने मुझे अच्छा नहीं लगता मैं पैसे नहीं लेता हूँ वो जिद करने लग गए और ने जी कि मैंने आपके लिए मैं अब या आपने लेने ही लेने आपकी गो जो, ये उस जोली में फेंके आप उसको वापस करें वो फिर उठा कर आपने ऐसे किया कि वो उठा लिए पैसे और जी मैंने आपका तोहफा कबूल किया है अपनी जेब में हाथ डाला और उससे बढ़कर पैसे निकाल के अम पीर साहब के हवाले कर ये होता है आलम ये आलम हक का ये जिसको कहें बामल शख्सियत कोई लालच नहीं है ना किसी चीज़ की परवाह है बस एक ही धन सवार है इसके रसूल में मस्त है तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि असल बात शरीयत है जो जो मैंने बातें की हैं इनका हासिल कलाम यही है कि तमाम इबादत तमाम मारफ़तें तमाम तजिक नफ्स तस्वीर बातन मुरशद को पकड़ना सारा अमल दानाई बसीरत, रोशन ज़मीरी मकसद यह है कि शरीयत पे कामिल तौर पे नामजन हो जाओ क्योंकि शरीयत मोहम्मद ही सुप्रीम है अल्लाह रसूल का कानून है अल्लाह ने खुद बना भेजा है मेरे रसूल लाए हैं और हम आपके लिए लाए हैं सोच आपने करनी है कि आप कितने मुसलमान हो अपने अपने गरीबानों में झांको कि कैसी ज़िंद गुजार चुके हो और कैसी जिंदगी गुजार रहे हो और आयना क्या मनसूबे आपके जहन में ज़रा उन पर एक तनकीदी जायजा लो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में आपको मालूम हो जाएगा इसलिए दोस्तों निकलो बाहर आप पे उफ्ताद आन पड़ी है आप पे बहुत बड़ी मुसीबत मुसलत है इस वक्त बैसीत कौम आपकी निशा आपकी शनाख्त मिट चुकी है बैसीत उम्मत मोहम्मदी हम भी इस वक्त काफिर गालिब हैं हम मगलूब हैं और हमें एहसास भी नहीं है कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये तड़प हर बंदे के के अंदर होनी चाहिए हर एक को ये पहचान होनी चाहिए कि हम इस वक्त गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं काफिर हम पे मुसलत है हम उसके अहकाम की पैरवी करते हैं हमारे हुक्मरान उनके ग़ुलाम हैं हम गुलामों के गुलाम हैं और हम उन लोगों को मुसलत कर लेते हैं अपने ऊपर जिनका दीन के साथ दूर का भी वास्तव नहीं है न दानाई है उनके पास न मोमिनाना बसीरत है उनके पास और न रोशन ज़मीरी है उनके पास न शरीयत है उनके पास न खौफ खुदा है उनके पास वो तो मगरब के काफिर के टाउट और पिट्ठू और उनके अलकार हैं उनके मकासद की तकमील के लिए उन्होंने आपको भी आपका भी सौदा कर रखा है आपको भी बेच दिया हम भी बिके हुए हैं हुक्मरानों ने भी ख़रीद रखा है हालांकि हकीकत में हमारा सौदा तो अपने रब के साथ हुआ वो सौदा हमने भुला दिया हम हुक्मरानों के होकर रह गए आज सोचने का मकाम है जो आप शख्स आपके ऊपर मुसलत है क्या कहीं दूर सी भी इसके इस्लाम से वापस वावस्त, वाबस्तगी या इसमें कोई दीनी शूर है जिसे बात करने का सलीका ना हो जिसको नबी पाक का नाम लेना ना आता हो जो कादियानियों के गुण गायर उनको ऊपर लाने के लिए जो खास इदारे हैं इदारे, है, उनको मुसलत करे सिखों को ऊपर लाने के लिए गुरुद्वारे बनाए हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए मस्जिदों पर टैक्स लगे हुए अल्लाह की कसम इस दफा मैंने पैंतालीस से गाल पैंतालीस हजार से ऊपर बिल अपने मस्जिद और मदरसा के लिए, इतना बड़ा जुलम मस्जिदों पर हर महीने सतारह हजार बीस हजार पच्चीस हजार मस्जिद के बिल आता है।, है और जब जिससे बात की जाए वही कहते हैं जी हमारे साथ पे ही घरों में मिलने से आ रहे हैं, तो क्यों ये कितनी है? ये कितनी कितनी है, अफसोस का मकाम है अगर मुसलमानी जिंदा होती मुसलमान फौरी तौर पे सड़कों पे आते कहते हमें ऐसा हुकुमरान नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो अमली तौर पर इसका मुजाहरा होना चाहिए खुदा के बंदो हमारा मैार क्या है मुसलमानों का हमारे हुक्मरानों का मैार क्या है हजरत उमर आप मंगवाते हैं कि गरीबों की लिस्ट लाओ गरीबों की लिस्ट ला कर मुझे दिखाओ जो लिस्ट लाई जाती है उसके सर फहरिस्त सबसे ऊपर नाम लिखा होता हैजरत आमिर वो गवर्नर है और सबसे गरीब वो गवर्नर है सबसे गरीब गवर्नर है कि सुबह खाने का है तो शाम को नहीं है शाम को है तो सुबह को नहीं है पहनने को कपड़ा नहीं है और घर नहीं है झोपड़ियों में रहते हैं झोपड़ियों में रहते हैं हजरत अब जरा जिन्होंने खुद अपने वालिद को कत्ल किया था और सर उठा कर नम की हजूर पेश कर दिया ये इतने जलीलर साहब ही हैं कि जिस वक्त आप सल्लाम का मिसाल हुआ तो बहुत सारे लोग ये क्यास कर रहे थे कि आप जो है खलीफा हो और बिन जरा होंगे और इसके लिए बायदा सैदी के अकबर आप नाम भी आपका पेश किया ये वो हस्ती है तो उन्हें इनकी वालद ने हज़ूर की शान में गुस्ताखी की बाप का सर कलम कर दिया हाँ जी वो हम जो इनारा लगाते हैं मनसब नबी पाकतलूह बताओ हमें लोग कहते हैं कि ये ालिम है ये कैसे बातें करते हैं ये कौन कहता है जिसको इस्लाम से बैर है जो इस्लाम को समझते नहीं है मेरे नबी कहते हो, हो, हो आपने ये नहीं, नहीं फरमाया कि तुमने क्या म कर दिया है तुम अपने बाप का सर काटना है आप खुश हो गए आपने खुद गुस्ताखों के सर काटने का हुक्म दिया वो अब बिन जरा शाम के गवर्नर हैं अगर तो जाते हैं विजिट पे जाते हैं दौरे पे जाते हैं शाम के तो जब दौरा ख़त्म होता है तो कहते हैं कि मुझे अपने घर ले चलो आपने टाल मटोल किया अगर तुम्हार तो कोई शक था ये देखना चाहते थे कि कहीं इसने अपने रवैये बदल तो नहीं दिए हैं कहीं गवर्नर बनने के बाद ये इसने कोई घर तामीर कर लिया हो या कोई नौकर रखे हो या बड़ा कोई खाता पीता और कुछ माल शाल बनाया हो आप ये जानना चाहते थे आपने आप बजेद हुए आपने फरमाया नहीं अबैदुल्ला मैं तु, मैं, तु, मैं तुम्हारा घर जाऊँगा जब मना करने के बावजूद ज़िद के बावजूद ना माने तो आपने फरमाया अच्छा अगर आपकी ये मर्जी है तो चलें फिर आप उनको बाहर ले गए शहर से गालमंद मिश से बाहर लेकर गए काफ़ी चलना पड़ा तो एक पहाड़ आया पहाड़ी के दामन में एक झोंपड़ी थी झोंपड़ी के अंदर गए तो वहाँ पे एक चटाई पड़ी थी और एक प्याला था और नीचे सोते थे और गालबन एक वूजू के लिए लौटा था और कोई ख़ास चीज़ वहाँ पे नहीं थी आप हक्का बक्का रह गए और बड़े हैरान हुए है आप जारो कतार रोने लगे आप कहने लगे कि अबैदुल्ल मैं मान गया हूँ आप जरा भर भी नहीं बदले हो जैसे पहले दिन का अखिलास आप में मौजूद था आज वही मैं अखलास आपने पा रहा हूँ। फिर फरमाया बैठे अब आज वो गए हो तो मेरे साथ खाना खा लें खाने में थोड़ी देर लग गई तो आपने फरमाया जल्दी करें बड़ी देर हो गई है तो खाना सामने रखा तो कहने लगे हजूर मैं हाँ बल्कि आपने सवाल किया कि आप खाने के बारे में क्या करते हो कहते हैं हजूर मैं गाँव जाता हूँ शहर में और हफ्ता भर के लिए जो रोटियां हैं जो जितनी मैं खा सकता हूँ वो मैं पकवा के ले आता हूँ इधर रख लेता हूँ जब भी आता हूँ वो पानी में टुकड़े पानी में डाल के मैं वो रोटी खा ले यही मैं आप पेश कर रहा हूँ इसलिए मुझे देर हो गई थोड़ा पानी में रखा ताकि थोड़ा गल जाए ताकि वो टुकड़े आपको पेश कर सकें ये है हमारे असलाफ या तुम हम किधर रहते हैं हवाओ में रहते हैं हमें होश ही नहीं है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं मैं ये नहीं कहता चलो दौर बदल गया खुशहाली आ गई दुनिया के साथ चलो लेकिन कम से कम कोई आपका मैार तो होना चाहिए ना कोई शराफत का गरीब जो है वो एड़िया रगड़ रगड़ कर मर रहा है आपके मुल्क में क्या हालत हो गई है गरीब की और मैं आपको बताऊं इनके खरबों के जो बजट बताऊं तो आपके होश उड़ जाए आपकी असम्बलिया एक कौमी असम्बली का एक मेम्बर उसको मराहत जो है साल की अरब में अरब में एक अरब में चली जाती है करोड़ों के हिसाब से उनको मराहत हासिल हैं फ्री एयर टिकट है फ्री टूअर्स हैं फ्री, है, फ्री मेडिकल है और इनकी जो कैंटीन है कौमी असम्बली की वहां गरीब जाए जो उसे लग पता जाए कि वहाँ पे आपको चंद दस रुपए में प्लेट मिलती है गोश्त की वहाँ पे आपको रुपए की रोटी मिलती है जैसे सारे ही यतीम या गरीब यहाँ पे पलते हैं ये आप कोई पूछ लें किसी भी से पूछ लें ये बाकायदा प्रेस में आता रहा है फिर इनकी तनख्वाह इनकी मरात देख लो क्या ये इस्लाम है क्या ये पाकिस्तान है क्या आप इसलिए पाकिस्तान को वजूद में आया था क्या हमारे ये हशर हो जाए ये किसका कसूर है ये आपका कसूर है और मेरा कसूर है हमने पाकिस्तान को संभाला नहीं हमने पाकिस्तान को बर्बाद होने में ऐसे शैतानों की मदद की है इनको अपने ऊपर मुसलत किया है जिन्होंने कौम को लूटा हमारी बच्चियों को वो वो करतूत सिखाए खुलेआम खुले डांस कराए इनसे कंट्रेनों पर डांस कराए यार हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे अपनी बेटियां हमारी नाचती हैं और मुखसर लिबास पहनकर और हम सह जाते हैं देख लेते हैं फिर भी वोट इसी को देते क्या शकल है क्या तरीका है आपका मैार तो कुछ और है मेरे दोस्तों खुदारा पहचानो आपके लिए मिसाल हमारे असलाफ दे गए हैं येमरान ऐसे होते हैं इनका मैंने आपको अजमाली खाका बताया जरा कंपेयर तो करो मुआवजना तो करो इनके इन लोगों के साथ तो आपको पता चल जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा जहां वो पकड़े जाएंगे आप ही पकड़े जाओगे अल्लाह की कसम मैं आपको बता रहा हूं मैं कोई ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा मैं पूरे वसूख और यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमसे और पूछा जाएगा कि ये वोट आपने कैसे इस्तेमाल किया था क्यों ये ईमान है अपना ईमान किसी में प्लेस करना है। अपना ईमान किसी को देना कि मेरे हिसाब में यह बेहतरीन है तो क्या उस में कोई भी उस पे पूरा उतरता है कोई भी नहीं उतरता आप इनको वोट क्यों देते हो जब आपके मुकाबले में अब तहरीक लबैक पाकिस्तान आ गई है हमने अपने अखलास आपके सामने पेश कर दिया है हमने सारे मसाए बर्दाश्त किए मैं तेलंगाना तो के सारे लोग जानते हैं अपनी मिसाल देने में अच्छी नहीं समझता हूँ लेकिन क्या कीजिए मजबूरी है जो कुछ हमारे साथ होता रहा तेलगान तो में चकवाल में पूरे पाकिस्तान में जो कुछ तहरी के साथ होता रहा क्या हम किसी मकाम पर चुके हैं क्या हमने हुक्मरानों की एक बात भी मानी है हमें सीटें ऑफर की गई नून लीग के जब इलेक्शन हुए अट्ठारह में तो उन्होंने कहा कि हम आपको चालीस सीटें देते हैं उन्हें पता था कि तहरीक इस वक्त उभर रही है आ रही है लोग ज़्यादा वोट तहरीक को देंगे और हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा उससे बेहतर यह है कि इनके साथ मिल मिला जाए हमने उनसे बात भी करा कर रही हमने कहा हम आपसे बात करना भी नहीं चाहते आप तो खत्म खत्मत के डाकुओं से हम बात करें रसूलुल्लाह के खत्म पे आपने जो काम किया फिर उसके बाद हमारे पास गुंजाइश है आपसे बात करें ठुकरा दी यह हुकूमत अब क्या चाहती है अल्लाह की कसम आज हम इनके साथ एका कर लें यह हमारे साथ मिलकर सब कुछ करने को तैयार हैं। और हमें कहा गया है अप्रोच किया गया है कि आप इसके साथ इनके साथ तान करें हमने कहा हम इन शैतानों के साथ कैसे तान कर सकते हैं हम दुनिया के लिए नहीं यही फ़र्क है दूसरी दीनी जमातों में और सियासी जमातों में दीनी सियासी जमातों में यही फ़र्क है एडजस्टमेंट कर लेते हैं इनके साथ बिक जाते हैं नून उनके साथ मिल जाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं और अपने आप को गंदा कर देते हैं गंदगी में अपने आप को गंदगी से भर लेते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हम आएंगे इन हम आएंगे तो शरीयत के नफाज के लिए आएंगे और जो शरीयत के साथ मुखलस है वो आए हम उसको सीने के साथ लगाने को तैयार हैं दीनी पार्टी लेकिन हो बामल कोई धोखेबाज हमें धोखा देने की कोशिश न करे इसलिए मेरे दोस्तों मेरा ये पैगाम है मुसलमान शरीयत के साथ है मैं आपको स्नेहा देने आया मैं थानू तो स्नेहा कहना स्नेहा मेरी इतनी औकात तो नहीं लेकिन बात हक के मैं हक दे पैगाम तो देना है अल्लाह रसूल तो स्नेहा दे शरीयत अल्लाह रसूल दी है और थोड़े और मेरे वास्ते भी और इस वास्ते स्नेहा यही कि जड़े शरीयत वाले लोग उन्होंने लग जाओ गनू मादीन सच्चों के साथ लग जाओ हादिम हुसैन सच्चा उसका बेटा सच्चा नहीं झुका नहीं झुका बड़ी बड़ी लोग बल्कि कुछ लोगों ने भेस बदल कर ये आपके आशिक हैं आपकी दीवाने हैं आपसे मोहब्बत करते हैं ये जो है लैंड क्रूज़र है इसकी ये, ये ले लें ये ने। आप आपने अदब से वापस कर दी कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास गाड़ी है हमें पता है कि हमें ख़रीदने की कोशिश की जाती है लोगों के ज़रिए हम कोई चीज़ लोगों से नहीं लेते हैं आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने लालच किया हो या हुकूमत से या किसी से भी एडली ये कहते हैं जी फ़ॉरन फंडिंग इनको होती है इंडिया सपोर्ट करते हैं बगैर तो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती हम जैसे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हो आपके सामने तलेगान में मुझे ऑफर किए गए पैसे करोड़ों के हिसाब से मैंने ठुकरा दिए और खादी ने उस वक्त आप रहमत ने फरमाया था कि मैं मेरे साहब की जुती भी पाँच करोड़ में नहीं देता हूँ लोग इन्हें खरीदने की बात करते हैं मुझे बताएं आपके चकवाल में चलो दूर की बात ना करें जिसने इतनी जेलें काटी हैं जितनी मैंने काटी हैं इस उमर में जबकि मैं मुत्द बीमारियों का शिकार हूँ बहुत बीमारी का शिकार हूँ लेकिन मुझे बीमारियाँ मेरे रास्ते में नहीं आई हैं क्योंकि मेरे जज्बे नेक हैं और मैं इनकी परवाह नहीं करता मैं कहता हूँ जब तक दम में दम है चल सो चल चलते रहो चलते रहो जितना हक के लिए काम कर सकते ओढ़ जाना जाने कब मौत आ जाए तो कम अज़ कम मौत इस रास्ते में तो आए इसलिए मेरे दोस्तों ये मेरा अपनी लिए पैगाम है कि आप होश में आएँ और दुरुस्त फैसला करें और इस मुल्क में दीन को तख्त लाएँ जो आपके बच्चों की मुस्तकिल मुस्तकबिल की भी ज़मानत है पाकिस्तान की बका की जमानत है पाकिस्तान की तरक्की और फलाह की जमानत हमारा दीन है इस्लाम है और आपकी भी आखरत की भी जमानत और इस दुनिया में भी पुरवकार ज़िंदगी गुजारने की जमानत आपका दीन है इस्लाम है ये लोग दीन छोड़ चुके हैं इन्होंने दीन बेच दिया है अरबों ने दुनिया के बदले दीन बेच दिया है और इसराइल और अमरीका के और यूरोप के हवाले कर दिया है यही कुछ हमारे हुक्मरान कर रहे हैं उनमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है इसलिए ग़ुलामी के जंजीरों को तोड़ो आज़ाद वो कौम होती है जो ख़ुद अपने फ़ैसले करे जिसका आइन अपना हो जिसका कानून अपना हो जो अपने फैसले आज़ादाना तौर पर करे मुझे बताओ आपके मुल्क में ये आजादाना फैसले कर सकते हैं कभी भी नहीं कर सकते हर फैसला ऊपर से जब अदल के मामला में जब आपकी अदलिया भी बिक जाए जब अदलिया भी फैसले करे हुकूमत के दबाव पे और यूरोप के दबाव पे और यू उनके दबाव पर अरबों के दबाव पे खुद हकूमत मानती है हमें ऊपर से प्रेशर है वो हमें तो कौन है कुमरान कौन है आपके ये कुमरान है या कोई और कुमरान है आपके कुमरान ये नहीं हैं आपके कुमरान यूरोप वाले हैं अमेरिका है, है इसराइल है और अरब हैं जो जो उन्होंने काफिर का जुआ अपने गले में डाल लिया है वो तो आप बुध बुध प्रस्ती की तरफ जा रहे हैं वो तो अपनी पाक सरज़मीन पर उधर जो कुछ वहाँ पर चकलें खुल रहे हैं वहाँ पे सैनमें खुल रहे हैं वहाँ पर शराब खाने खुल गए हैं सब कुछ वहाँ पे और उस पा सर जमीन में और हम मुसलमान जो हैं कोई अपना रद्दमली नहीं दे रहे चाहिए तो ये था कि आलम इस्लाम उठ बैठता खड़े हो जाते अपने पाँव के सारे ममालिक एक हो जाते कि खाना काबा और मदीना मनौरा हमारा सब मुसलमानों का मुश्तक है इसलिए उसको हमारी सब के तावील में होना चाहिए वहाँ सऊदी अरब की हुकूमत नहीं होनी चाहिए मक्का और मदीना में कोई बोल ही नहीं रहा आज बंद है उम्र बंद हैं और बाकी जो, जो खाने खुले हैं में खुले हैं फर्स्ट हर कस, किस्म के फेस्टिवल हो रहे हैं वहाँ पर और पाबंदी है तो इस्लाम के इस्लाम पे पाबंदी है तो ये ये किसका काम है किस से पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा मुझसे पूछा जाएगा इसलिए मेरे दोस्तों होश के नाखन लें और अपने आप को और अपने बच्चों को सबसे फिक्र मुझे अपने बच्चों की मानी है यकीन मानिए मुझे अपनी नस्ल की फिक्र है आपको बताने की बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है जो कुछ जो माहौल हमें पेश किया जा रहा है उसके नतज भी हमारे सामने आ रहे हैं मस्जिदों में फिल्में फिल्मी जा रही हैं मस्जिदों में डांस हो रहे हैं गाने हो रहे हैं हमारी बेटियां सड़कों पे निकल आई हैं नंगी निकल आई हैं एक किस्म की मुखर लिबास पहन के और खुलेआमदारा लगा रही हैं कि हमारा जिसम हमारी मर्जी हमें खामि नहीं चाहिए हम खामिद की नौकर बन... निकाह का इनकार किया जा रहा है कानून बन रहे हैं आपके मुल्क में अगर रजामंदी से जना हो जाए तो वो काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं है उस पर कानून लागू नहीं कर सकते जो मर्जी से जना मर्द औरत करता है ये इस्लाम है ये पाकिस्तान है हम जिंदा क्यों हैं काश हम मर गए होते ये वक्त आने से पहले मर गए होते और हम न, हमारी आंखें ये कुछ ना देखती जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है आप देख रहे हैं तो फैल जाओ खुदारा घरों में मत बैठो ये पैगाम अल्लाह और रसूल का पैगाम लेकर घर घर फैल जाओ ने बताओ अब हमारा एक ही मकसद है एक ही मंशूर है कि हमने अल्लाह का दीन और रसूल का दीन जो है वो तख्त पे लाना है और इस मुल्क का जो मकसद है जिसके लिए मुल्क तख्लीक किया वो हमने पूरा करना है और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस मुल्क में हम इस्लामी निज़ाम कायम कर कर नहीं कर चुकते ये हमारा होना चाहिए ये माटो हमारा होना चाहिए ये मिश्र होना चाहिए मैं आपसे तो करता हूँ कि आप जो मैंने बातें किए हैं जो अमल करेंगे न कोई ज़ात की बात है न किसी और की ये आपकी और मेरी बका की बात है हमारी आखरत की बात है हमारी मुसलमानी एट स्टेक है हमारी मुसलमानी हमारे ईमान ये सब जो है ये क्या है ये खतरे ख़तरे में हैं बल्कि इन पर हमला हो चुका है एक अरसे से इसलिए गैर का निज़ाम ख़त्म करें और अपना निज़ाम इस्लामी निज़ाम लाएँ बस मैं इसलिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ यही बात यही पैगाम देने आया हूँ आपसे इजाज़त चाहता हूँ सुनने का बहुत शुक्रिया وما علينا الا البناء